40 से 50 के दशक की दिग्गज अभिनेत्री रही सुलोचना का 4 जून को निधन हो गया। अदाकारा लंबे वक्त से बीमार चल रही थी। हाल ही में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बताया जा रहा है कि एक्ट्रेस की सांस लेने में परेशानी और उम्र से संबंधित बीमारियों के चलते उनकी अक्सर तबीयत खराब रहती थी। कुछ महीनों पहले भी उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद उनके अस्पताल से छुट्टी भी कर दी गई थी। अब एक बार फिर से उनकी अचानक तबीयत खराब हुई तो सुलोचना को मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहीं इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। सुलोचना की बेटी कांचन घाणेकर ने इस बात की पुष्टि की। आपको बता दें कि सुलोचना मराठी फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा रही हैं। वह हिंदी सिनेमा में भी अपनी एक खास पहचान बनाई थी। एक्ट्रेस ने देवानंद से लेकर राजेश खन्ना तक बड़े सितारों के साथ काम किया था। वह हिंदी सिनेमा में स्टार्स की मां का किरदार निभाती दिखी थी, तो वहीं वह कई फिल्मों में सपोर्टिव रोल में भी नजर आई। एक्ट्रेस 40 के दशक में एक्टिंग की दुनिया में एक्टिव हुई थी। हिंदी सिनेमा में ही वह 250 से ज्यादा फिल्में कर चुकी हैं। एक्ट्रेस के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक व्यक्त करते हुए ट्वीट किया, तो वहीं माधुरी दीक्षित, रितेश देशमुख जैसे बड़े सितारों ने भी उनके निधन पर शोक जताया।